माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कपूर सिंह दलाल अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुड़गांव हरियाणा। किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का आज श्रद्धांजलि आप देते हैं और कितने लोग इकट्ठे होते हैं? हमारे जो आपके सामने लोग इकट्ठे हैं 15 से 20 लोग हर बार इकट्ठे होते हैं और हमारा ध्येय है कि भी पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम ऑल इंडिया लेवल पर चला हुआ है, तो इसमें बहुत से गाँव में बहुत से शहरों में ये हर महीने का पहला एतवार 10 बजे 10 मिनट अपने पूर्वजों के नाम मनाया जाता है और उसमें बहुत जगह पर ये कम से कम 500 जगह पूरे इंडिया में चला हुआ है। उसी तर्ज पर ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से हम अपना यहाँ करते हैं हर महीने का पहला एतवार 10 बजे 10 मिनट अपने पूर्वजों के नाम, उसमें हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके उसके ऊपर उनको याद किया जाता है और यहाँ पर जो भी हम आते हैं वो सभी फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार यहाँ आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान उनका बरकरार रहेगा। किस ढंग से आप इस स्वतंत्रता सेनानियों का जो स्मारक बना है और जो इनसे जुड़े लोग हैं उन्हें और बेहतर तरीके से करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखो हमारा ये विचार है, आज हमारी मीटिंग होनी है अभी और हमने फैसला लेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा गांव में जाएं और लोगों को जागरूक करें कि भी स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बन गया है, इसको चालू करने के लिए इसमें इसको आबाद करने के लिए इसमें मीटिंग करने के लिए जितना भी हम इसका प्रयोग करेंगे उतना ही स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बढ़ेगा और जितना इसके अंदर हम बैठेंगे उतना ही लोगों को जागरूक होंगे, लोगों को पहचानेंगे कि भी यहाँ भी लोग बैठते हैं और फ्रीडम फाइटर के परिवार और शहीदों के परिवार यहाँ आएंगे और सब इसके अंदर बैठेंगे अपनी मीटिंग करेंगे और स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को हम याद करते रहेंगे। सूबेदार बिजेंद्र सिंह ठाकरा, यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुड़गांव का। स्वतंत्रता सेनानी मनाने का जो मोटिव है वो क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ पहले से ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, इस बात को कहाँ तक कितने लोगों तक पहुंचाया गया है अभी तक और कितने लोग इसमें जुड़ने के लिए बेकरार है? मैं आपको थोड़ी सी पीछे ले जाता हूँ कि जब मैं जवान होया 15-16 साल का तो मैंने ये देखा कि देश आजाद किसने कराया, तो मेरे को पढ़ने में समझने में ये आया कि इस देश को आजाद कराने वाले सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA के जो उनके जो जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं INA के जो फौजी थे पहले वो बाद में नेताजी की फौज में गए थे, उन्होंने देश को आजाद कराया। तो बीच में ये भी सुनने में आया गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ये भी थे, इन्होंने भी देश आजाद कराया। तो ये कुल मिलाकर तो हम ये बात करेंगे कि हाँ देश तो सभी ने आजाद कराया, लेकिन जो सबसे जो मेन रोल रहा है वो जो 26,000 हमारे INA के जवान मारे गए आजादी के टाइम शहीद हुए हैं तो हम तो उनको देखेंगे वो हैं असली स्वतंत्रता सेनानी। तो इसी बात को लेकर मैं यहाँ सैनिक बोर्ड में होता था एज ए WO, तो जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता था शहीद स्मारक पर अपने डिस्ट्रिक्ट वार मेमोरियल पर, तो मेरे को दिमाग में यही रहती थी क्यों ना स्वतंत्रता सेनानी को भी याद किया जाए, उनके उत्तराधिकार उस टाइम तो काफी थे, तो अभी तो कम हो गए हैं काफी लोग क्योंकि 15-20 साल पहले की बात है। तो हमने ये किया कि कैसे भी करके हमें एक इनका भी स्मारक बनाएंगे, तो उस उपलक्ष्य में हमने ये स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बनवाया है। जो उनकी जो वीरता बहादुरी और उनकी शहादत देश याद करे और देश ने याद करना भी चाहिए, देश में अभी तक भी वो जज्बा है ही नहीं अगर हम अपने पूर्वजों को स्वतंत्रता सेनानी को याद करें, क्योंकि यहाँ इसी मीटिंग में हम देखते हैं, इस मीटिंग में हमारे 400 के करीब मेंबर हैं फ्रीडम फाइटरों के और यहाँ 20-15 आदमी आते हैं, तो इस पे हम बड़ी मंथन करेंगे। अब चौधरी समरजीत सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट अमर सिंह, अपना आजाद हिंद फौज का उत्तराधिकारी हूँ, बिलासपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका हर माह की 10 तारीख सुबह 10 बजे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ।
सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं सुरेंद्र यादव सहरावण गांव से हूं। मेरे दादाजी मनोहरलाल स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने देश के लिए उस समय अपनी कुर्बानी दी जब देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। देश में सभी लोगों ने अपना सहयोग भी दिया। उन्होंने लगभग वो 9 साल देश के लिए आजाद हिंद फौज में रहे और वो बताते थे कि आजाद हिंद फौज में ना हमें वो यातनाएं सहनी पड़ी जो आज तक किसी ने नहीं सही होगी। तो देश की आजादी बड़ी संघर्ष के बाद मिली है और मैं चाहता हूं कि देश के जो भी शहीद है स्वतंत्रता सेनानी है उन परिवारों को हमें जैसे यहां पे गुड़गांव में हमने उस स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति बनाई है सभी शहीद परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार आए और उनको याद करें ताकि उनका सम्मान बना रहे। इसके लिए हम कर जितने भी शहीदों की समाधियां बनी हुई है स्मारक बने हुए हैं उन पे भी हर महीने तिरंगे फहराने का काम करेंगे उनको याद करने का काम करेंगे स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के माध्यम से। मेरा नाम जितेंद्र गहलोत गांव निडाउ जिला सोनीपत। मेरे पिताजी थे फ्रीडम फाइटर जी। तो मेरे पिताजी सबसे पहले वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो यहाँ अंग्रेजों का राज था और पूरे भारत के कोने कोने में भर्ती शुरू हुई थी तो मेरे पिताजी भी फौज में भर्ती हो गए और मेरे पिताजी जितने भी आए थे वो सारे अंग्रेजों की फौज में थे ब्रिटिश आर्मी बोलते थे उसको। तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो हमारे जितने भी ये पूर्वज आ रहे हैं जितने भी आईने हैं तो ये गए थे सिंगापुर जापान की तरफ और हमारे इन मेरे पिताजी ने उनके साथी ने जापानियों की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन अंग्रेज बहुत निकम्मे आदमी थे उन्होंने वे थे 30,000 और हम थे 60,000 लेकिन फिर भी हथियार डाल दिए इन्होंने और हथियार डालने के बाद क्या हुआ मेरे पिताजी नहीं हथे हो गए अंग्रेज हथियार डाल दिए थे और फिर जापान ने भी हमारे साथ धोखा किया और अंग्रेजों ने भी धोखा करा। वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम ये कह सकते हैं वो आम आदमी था नहीं वो हम ऐसे कह सकते हैं शंकर भगवान का ही कोई अवतार था। तो उन्होंने आईने बनाई जब हमारे पिताजी लगा ले चाहे मेरे ताऊ लगा ले चाहे को काका लगा ले कोई बोला जब उनको वो मिला था खाना भी नसीब नहीं होता था और जब जाके आईने बनी जब जाके उनको हथियार वगैरह दिए गए खाना वाना दिया गया जब उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और इस कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किया देश आजाद हो गया था और हमारे जो जितने भी ये पूर्वज खड़े ना ये इनको गद्दार घोषित कर दिया गया था। वो तो इंदिरा गांधी जब 1971 में बनी जब वो श्रीलंका गई तो ऐसे बैठे थे हर एक आदमी कहता ना मैंने क्या किया इंदिरा गांधी ने भी ये किया मैंने ये किया। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मित्र था उसने उसी समय कहा अगर आपने पाकिस्तान ने दो टुकड़े करवा दिए लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदमी थे उनके लिए क्या किया इंदिरा गांधी ने कहा था मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं। वहीं बैठे बैठे जब हमारे को 200 रुपये पेंशन और हमारे जो मेरे मैं पढ़ता था ये भाई साहब पढ़ते थे इनका वजीफा आया था फर्स्ट टाइम 71 में हमारे को फ्रीडम फाइटर घोषित किया गया था। तो ये हिसाब लगा लो हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कष्ट सहे। जी बिल्कुल। थैंक यू।